हम साइड में खड़े थे बाइक पे, पीछे से आके एक डीसीएम वाले ने टक्कर मारी। बहुत दर्द हो रहा, बहुत दिन हो गए, बर्दाश्त नहीं होता अंकल। अपने अभी हम फिर से सहारनपुर में हैं, खत्ता खेड़ी के नाम से मशहूर हैं। उसी इलाके में ये मोनिस है। मोनिस को 1.5 से 2 महीने हो गए हैं। इनका एक्सीडेंट हो गया था और रीढ़ की हड्डी इनकी टूटी हुई है। 3 जगह से ऑपरेशन हुआ है, गर्दन का ऑपरेशन हुआ है। माली हालात बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इनके जो वालिद हैं वो चाय की दुकान है, उनकी खोखा है चाय का, उस पर जो भी बचता है 150, 200, 500 रुपये, 400 रुपये वही लाते हैं, बच्चे पर लगाते हैं। ये जो घर है ये भी इनके भाई का है, इनके मामा का घर है। इनका ये अपने मामा के घर पे यहाँ रह रहे हैं। और सबसे बड़ा बच्चा जो है इससे एक बड़ा भाई भी है इनका, वो मेंटल है, वो दिमागी तौर पे बिल्कुल ख़राब है। और यही बच्चा था मोहसिन जो पिछले 17 साल में बैठा उम्र जी। मोनिस 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 कैसे हुआ ये हादसा आपके साथ? जी हम साइड में खड़े थे बाइक पे, पीछे से आके एक डीसीएम वाले ने टक्कर मारी। तो आप हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते? नहीं, पेशाब लैट्रिन सब कुछ यही जी। पढ़ो कितने कमाते थे, सैलरी क्या थी बेटा आपकी? जी बस 5,000 रुपये महीना। 5,000 रुपये महीने जी। तो आपके मालिक ने कुछ? नहीं जी, 1,000 रुपये बस। 1,000 रुपये दिए? 11,000 रुपये हर हफ्ते जाते हैं जब दिल्ली जाते हैं, 6,000 रुपये एम्बुलेंस में जाते हैं जी। दिल्ली कहाँ का इलाज चल रहा है बच्चे का? सफदरजंग। सफदरजंग का? हाँ। माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा अस्पताल है, वहाँ से छोड़ना मत, ठीक है? तो वहाँ हर हफ्ते जाना पड़ता है आपको? हाँ जी, हर हफ्ते बुध को। अच्छा, तो एम्बुलेंस में जी पढ़ के जाते हैं। तो बेटा कैसे खर्चा होता है पूरा? 11,000 फिर 6,000 जी। अब के तो हम गए थे ना, 9,000 की दवाई थी, 6,000 गए थे एम्बुलेंस में। अच्छा जी। नहीं तो कैसे खर्चा कैसे चलता है, मतलब कौन देता जी? है जी, कोई कोई देता है, कोई मोहल्ले वाला, कोई दुकान वाला, कोई परचून वाला। अच्छा। आके आपके जैसे आदमी देते हैं जी। जी उम्मीद है बेटा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, ठीक हो जाओगे? डॉक्टर कोई 10 महीने कहता है, कोई 1 साल कहता है, जब ऊपर वाला चाहेगा जब उठेगा, उन्होंने ये बोला। ये इनके वालदा हैं, बच्चे के वालदा। और इनसे इनके दिल से पूछे कि इनका बच्चा जिस हाल में इस कंडीशन में है तो ये कैसे इनका होगा, यही कमाने वाला था जी। बस मेरे तो यही बच्चा था, करने वाला, यही घाट पे लग गया, अल्लाह कर रहा मदद जी। जी अब और भी अल्लाह भी करेगा, कोई तो अल्लाह मियाँ फरिश्ता हो गया ऐसा दुनिया में जो किसी की मदद करेगा। दया तो अल्लाह ही सबको हिम्मत, मेरे पे तो मांगना भी नहीं, अब तक कहाँ जाऊँ क्या करूँ। मैंने आज दिन तक के किसी के आगे हाथ फैलाया ही नहीं अल्लाह के अलावा। और आज ये कंडीशन आ गया कि आपको दुनिया के सामने अपनी मजबूरी को दिखाना पड़ रहा है जी। बस बच्चा था पड़ गया, अब क्या करूँ मैं, अब तो मजबूर हूँ। सहारनपुर वालों अगर मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे यहाँ आना ना पड़ता, सच में बताऊँ मुझे यहाँ आना ना पड़ता अगर आप लोग इस बच्चे का ख्याल रखते, इस बच्चे की दवाइयों का ख्याल रखते, तो शायद मैं दिल्ली से 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पे आता। जब अपने उन्होंने साथ छोड़ दिया तो इस गैर ने आके इस बच्चे का दामन संभाला, और हमसे जो मदद होगी हम मदद भी करेंगे, दुआ भी करेंगे। जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो सऊदी में है, मक्का में है, मदीना में है, हिंदू भाई जो भी हैं वो इस बच्चे के लिए दुआ करें, मोहसिन के लिए, कि कम से कम ये बच्चा पैरों पे खड़ा हो जाए। क्योंकि इनका उनका ऑलरेडी एक बड़ा बेटा है जो पागल है, उसका लैट्रिन 20 साल की उम्र में भी यही धोते हैं, यही सब कुछ करते हैं। ये इनकी नानी है और कैसे कैसे मांग के गुजारा करती होगी। इन 40 साल से मैं बेवा हूँ, यही बड़ी बेटी है जी। 5-7 घर रमजान में जकात के बंदे, सदका मैंने कभी लिया नहीं, ईमान के साथ मैंने पाले। 3-4 हज़ार रुपये हो जा रमजान में, वो भी मैं अपने बच्चों पर खर्च करके रखा। आज तेरे पूरे 3 दिन हो गए मुझे बुखार, इतनी हिम्मत नहीं जो मैं 20 रुपये की दवाई। क्या कह रहा बेटा, क्या कह रहा?
बहुत दर्द हो रहा, बहुत दिन हो गए बर्दाश्त नहीं होता गलत। रोना मुनीश रोना, जो अल्लाह करा अच्छा ही करा। मेरे बच्चे पढ़े, दिन देखने पड़ो ऐसे, मरना तो सबको, अल्लाह तुझे तंदुरुस्त कर दे, खाट पर ना लगावे। रोना बेटा चुप हो, रोना मुनीश चुप। तो घबराने कैसा ये बताओ, किस चीज की घबराहट है अब ये बताओ बेटा तुम्हें? दर्द होता है भाई, बहुत दर्द होता है जी, अभी भी दर्द हो रहा है जी। छत्ती का भी प्रश्न हुआ। देखो ये कंडीशन है इस बच्चे की के उल्टी पिना रखी पीछे, इसका पीछे इसका ऑपरेशन होया हुआ है पूरी बैक का, करीबन 3-4 जगह से। और ये इनका छोटा बच्चा है, देखो इसकी उम्र क्या है। और ये जो बच्चा है ना, अपने इसने अपने घर को संभाला हुआ है। 200 रुपये हफ्ता की क्या औकात होती है? एक हफ्ते में कितने पैसे लाते हो बेटा? 200 रुपये लाते हो जी। तो पढ़ाई करने क्यों नहीं जाते बेटा? अम्मी कहती जब स्कूल खुलेंगे, जब जब तक। फिर आप कमा के लाते हो पैसा जी? किसको देते हो पैसा? वो अम्मी को। अल्लाह तो बड़ा करीम है बेटे, अल्लाह तो रहीम और करीम है, वो तो दिलों का मालिक है। किसी के देने से बेटे मेरे बच्चे को अल्लाह ताला शिफा दे दे, ऐसे से नहीं, दुआ से शिफा, अल्लाह से ऐसा ही कर दे जैसा था। चलो इंशाल्लाह अल्लाह है ना बहुत बड़ा है, मदद 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 करेंगे भी और कराएंगे भी इंशाल्लाह। हां मेरे बच्चे, अल्लाह करे, अल्लाह तेरे बेटा बेटी को नेक बनावे बेटे, माँ बाप की उम्र में बरकत करे। 3 जगह से इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। अब ये नहीं पता कि इस बच्चे को कि कब ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, लेकिन फिलहाल जो हालात इनके हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये सहारनपुर का इलाका है, खाताखेड़ी इस इलाके का नाम है, और ये बच्चा है। और मैं तो अपील करता ही हूँ आपसे, लेकिन मेरा ये दोस्त भी कुछ अपील करना चाहता है, कुछ कहना चाहते हो बेटा? जो तमाम लोग हमें देखते हैं सऊदी से, हरम शरीफ से जहाँ हज होता है, ऐसे 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 कुछ कहना? सबसे कहना चाहता हूँ दुआ करिए मेरे लिए जी जी। यही वो परिवार है जिसको अब फिलहाल सबसे ज्यादा आप लोगों की ज़रूरत है, और तमाम लोगों को साथ आना चाहिए और मदद करनी चाहिए। मैंने इनका अकाउंट नंबर भी डाला हुआ है, तो प्लीज़ मेहरबानी करके जो भी आप निकाल सकते हैं अपना नेक कमाई में से निकालिए, इनके अकाउंट में पैसे डालिए। और फिलहाल मैं मेरे से जो मदद होती है मैं अक्सर करता हूँ, जो मुझसे मदद होगी इंशाल्लाह मैं करूँगा। बहन ये फिलहाल 5,000 रुपये हैं, प्लीज़ ठीक होगा इंशाल्लाह। आप बेफिक्र हैं, आपका बच्चा ठीक होगा बिल्कुल। अल्लाह तेरे पैसे से मेरे बच्चे को अल्लाह शिफा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फैमिली को आपकी मदद की ज़रूरत है। जब मैं 200 किलोमीटर से चल के यहाँ आ सकता हूँ, तो सहारनपुर के रहने वाले लोग, सहारनपुर के लोग क्यों नहीं इस बच्चे की मदद के लिए आ सकते? इस बच्चे को इलाज की ज़रूरत है, तो आइए प्लीज़ इस बच्चे की मदद कीजिए। मैंने इनका अकाउंट नंबर भी डाला हुआ है, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने साथ दिया। अल्लाह हाफिज़।